हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लेट्स डिस्कस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ सिलेबस फॉर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। आपको पता है कि थर्ड सेमेस्टर जो है वो स्टार्ट हो चुका है और हमारा एक जो सब्जेक्ट है वो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है। ठीक है, तो मैं आपको अपने बारे में बता दूँ, मेरे नाम है काजल कौशिक और मैंने क्वालिफाई किया है UGC नेट, CTET, UPTET और मैंने अपनी पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की है। तो ये जो सिलेबस है इसका, इस सिलेबस को हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या सिलेबस था। मैंने बीएड भी यहीं से किया है तो मैंने ये सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं इसको आज डिस्कस कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। कंटेंट मिलने में हमें काफ़ी टफ हो जाता है यहाँ पे और सब्जेक्टिव आता है पेपर तो दिक्कत होती है। ठीक है, डिस्कस करते हैं फिर इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रहेंगे उससे रिलेटेड हम वीडियोज़ बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट है इसमें एजुकेशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, है ना, एजुकेशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। तो पहली यूनिट में हम इसके बारे में बात करेंगे, एजुकेशन किसकी, वुमेन और गर्ल्स की। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेंडर। ठीक है, तो जेंडर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको पढ़ेंगे। आपको लग रहा होगा ये क्यों पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जेंडर और सेक्स तो अलग अलग टर्म होती हैं तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हुए यहाँ पे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेंडर, इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स आएंगी, सिर्फ एक जेंडर टर्म नहीं है, बहुत सारी है। जेंडर पढ़ेंगे, जेंडर सेक्स पढ़ेंगे, जेंडर आइडेंटिटी पढ़ेंगे, जेंडर फ्लूइडिटी पढ़ेंगे, जेंडर नॉर्म्स पढ़ेंगे, जेंडर रोल्स पढ़ेंगे, अनलिमिटेड बहुत सारी टर्म्स हैं। अनलिमिटेड तो नहीं, बट बहुत सारी टर्म्स हैं। काफ़ी सारी टर्म्स को लेकर के मैंने अपने शॉर्ट्स पे वीडियो बनाई हुई है, आप जा कर के वहाँ भी देख सकते हैं कि वो जो टॉपिक्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट है नेशनलाइजिंग वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन को जब नेशनलाइज किया है ना, तो उससे रिलेटेड देन एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट 1964-66 में वुमेन से रिलेटेड क्या क्या हुआ था, इसमें हमें ये पढ़ना है। देन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 1975-2000-2005। तो इन सब रिपोर्ट्स में वुमेन एजुकेशन के बारे में क्या था वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इनोवेटिव प्रोग्राम्स फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। जो भी इनोवेटिव प्रोग्राम्स हो रहे हैं वुमेन एंड गर्ल्स को लेकर, जैसे कि महिला संख्या, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, एडल्ट एजुकेशन, शिक्षा कर्मी, नेशनल लिटरेसी मिशन, ये सारे हम इनोवेटिव प्रोग्राम्स जो हैं वो वुमेन और गर्ल्स से रिलेटेड जो हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, क्या कॉजेज़ थे और इसका कितना आगे तक सफल हुआ, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे रोल ऑफ वुमेन इन नेशनल डेवलपमेंट। वुमेन का रोल क्या है नेशनल डेवलपमेंट में, उसके बारे में हम देखेंगे। देन नेक्स्ट यूनिट के अंदर हम देखेंगे कि जेंडर रियलिटीज़ और जेंडर डोमेन के बारे में। तो क्रिटिकल डेफिनेशन ऑफ जेंडर एंड मैस्कुलिनिटी, जेंडर और मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस हैं, तो जेंडर हुआ, मैस्कुलिनिटी हुआ, इक्वलिटी हुआ, एम्पावरमेंट हुआ, पता है इन ये वाली जो टर्म्स है ना, ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है तो हम इन टर्म्स को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है जेंडर्ड प्ले इन स्कूल। बड़ा ऐसा टॉपिक है ये जिसके बारे में हमें कंटेंट इजीली नहीं अवेलेबल होता, हमें भी बहुत दिक्कत हुई थी इसको पढ़ने में, तो एक ये टॉपिक है। देन जेंडर इन मीडिया, जेंडर मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। अब इन्होंने जेंडर एंड मीडिया कह दिया तो ये टॉपिक ना बहुत वाइड हो गया, इसके बारे में इससे रिलेटेड कुछ भी हो सकता है ना, तो इसको हम देखेंगे, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। देन जेंडर इश्यूज़ इन हेल्थ केयर सिस्टम, जेंडर से रिलेटेड हेल्थ केयर सिस्टम में क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वुमेन को हेल्थ केयर सिस्टम में, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। देन यूनिट थर्ड के अंदर इन्होंने हमसे कहा कि जेंडर चैलेंजेस इन एजुकेशन एंड टीचर्स एज एजेंट्स ऑफ चेंज। तो एजुकेशन एज अ मीन्स ऑफ, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं तो एजुकेशन को हम कैसे सोशलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं या सोशल चेंज में। देन टीचर, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई रोल ऑफ टीचर एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज, टीचर का क्या रोल हो सकता है। देन जेंडर इनइक्वलिटी इन द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल और जेंडर इनइक्वलिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ये डिबेट्स वगैरह हैं वो स्कूल देखेंगे। तो ना इसमें सिर्फ तीन ही यूनिट हैं, काफ़ी अच्छी हैं, सारा कंटेंट मिल जाएगा, डोंट वरी, सब कुछ अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे, है ना। और हमारे यहाँ हमारे मेयू में असाइनमेंट्स भी देते हैं इससे रिलेटेड और काफ़ी अच्छे से आपको मेरे इस वाले चैनल पर ये सब मिल जाएगा। तो हमने सिलेबस का डिस्कशन तो कर लिया है, ठीक है, और भी किसी का आपको अगर करना है तो बता दीजिएगा, आई विल डू दैट, आई विल डू इट। और उसके अलावा इससे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो
आ जाएंगे। बाकी इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ वीडियोस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के चैनल पर चल रहे हैं, और भी ईवीएस को लेकर के सीरीज़ भी बनी हुई है, तो आप जाके चैनल को एक बार विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।